हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आपने हमें जीवित रखा, हमें संभाला, हमें अपनी प्रेम, अपनी करुणा, अपनी दया बनाया। आपका धन्यवाद करते हैं। हम अपने जीवन को आपके हाथों में सौंपते हैं, हम अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हैं। हम अपने हर घड़ी हर क्षण आपकी स्तुति महिमा और बड़ाई कर सके प्रभु, आपकी आशीष और बरकत हम पे बनी रहे। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह। हम सभी भाई और बहनें अपने हाथों को उठाकर घुटनों पर टिके प्रभु आपके नाम की स्तुति महिमा और बड़ाई करते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 प्रभु यीशु मसीह। हम अनिश्चितताओं और ठहराव के क्षणों में हम अटूट आस्था और विश्वास के साथ हम अपने प्रार्थना निवेदन को आपके सामने लाते प्रभु। आप हमारे पथ प्रदर्शक, मेरे मार्गदर्शक प्रभु यीशु मसीह। हम आपकी ओर मुड़ते हैं प्रभु यीशु मसीह। हम आपके सामने यह जानते हुए कि हमारे जब सब रास्ते बंद होते हैं तो आप ही हमारे रास्ता को खोलने वाले हैं प्रभु यीशु मसीह। हमें सफलता दिलाने वाले आप हैं प्रभु। हमारे रुके हुए काम को पूरा करने की ताकत आप हो। हाँ प्रभु यीशु मसीह, आपका वचन हमें आश्वस्त करता है, हमें विश्वास दिलाता है, हमें दृढ़ करता है कि आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। जब हम आपका मार्गदर्शन और प्रावधान चाहते हैं तो अपने दिल और दिमाग को हम मजबूत करके आपके सामने आते हैं प्रभु। हाँ प्रभु, क्योंकि आप में सब काम संभव है। इंसानों से तो कुछ नहीं, किंतु परमेश्वर से सब कुछ संभव है। आमीन हालेलुया प्रभु यीशु मसीह। क्योंकि आपका वचन कहता है, देख मैं एक नया काम कर रहा हूँ, अब वह उगता है, क्या तुम्हें नहीं सूझता? मैं जंगल में मार्ग और बंजर भूमि में जल धाराएं बना रहा हूँ। आमीन हालेलुया। हमारे जीवन में प्रभु जो बंजर बनी हुई जीवन है प्रभु, आप उस पर जल धाराएं बहाए प्रभु यीशु मसीह। हमारे जीवन के मार्ग प्रभु, हमारे अनिश्चित मार्ग को सुनिश्चित करें। अपनी योजनाओं को हम पे प्रकट करें प्रभु, ताकि हमारा जीवन सफल हो सके और हम एक पथ एक मार्ग आपके द्वारा बताए गए जीवन से आगे बढ़ते रहे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हाँ प्रभु, हमें विश्वास है कि आप वहाँ रास्ता बनाएंगे जहाँ कोई रास्ता नहीं है, जहाँ हम मुसीबतों से घिरे हमारे लिए कोई रास्ता नहीं दिखता, तो आप हमारे अंधेरों को दूर करके उजालों को लाते हैं प्रभु यीशु मसीह। क्योंकि आप उजाले के प्रतीक हो, आप ही श्रोता हो प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जिस प्रकार आपने जंगल में इसराइलियों का नेतृत्व किया और बंजर भूमि में जल धाराएं प्रदान की, हमारे विश्वास है प्रभु यीशु मसीह कि आप हमारी चुनौतियों में हमारा नेतृत्व करेंगे, नए अवसर और सफलता लाएंगे। हाँ प्रभु, जितने भाई बहन आज प्रार्थना कर रहे हैं अपनी सफलता को प्रभु, कितनों दिनों से उन जिनकी सफलताएँ रुकी हुई हैं, हाँ प्रभु आज वो बहाल हो जाएं यीशु मसीह के नाम से। उनके परिश्रम का फल मिले, उनके मेहनत का फल उनको मिले प्रभु, और वो सफलता को प्राप्त करें यीशु मसीह के नाम में। जैसा फिलिपियों की पत्री में लिखा है, जो मुझे शक्ति देता है उसके द्वारा मैं यह सब कर सकता हूँ। आमीन प्रभु यीशु मसीह। आपके वचन में वो शक्ति है जो हमें वो सब करने की सामर्थ्य देता है, वो बल देता है प्रभु यीशु मसीह। अपने वचन से हमें दृढ़ कर, हमें ज्ञान, हमें बुद्धि, अपनी समझ से परिपूर्ण कर प्रभु यीशु मसीह। हम आप में अपनी शक्ति पाते हैं जब हम बंद सड़कों और प्रतीत होने वाली दुर्गम बाधाओं का सामना करते हैं, तो हम जानते हैं कि हमें काबू पाने के लिए आप हमें सशक्त बनाते हैं। आपकी शक्ति से हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं, वह कार्य पूरा कर सकते हैं जो आपने हमारे सामने रखा है। हालेलुया प्रभु यीशु मसीह। भजन संहिता के वचन कहता है, प्रभु मेरा न्याय करेगा, हे प्रभु तेरा प्रेम सदा बना रहेगा, अपने हाथों के कामों को मत त्याग। हालेलुया प्यारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह, हम इस आश्वासन पर कायम है, हम विश्वास पर कायम है कि आप हमें सही ठहराएंगे, हमारे जीवन के लिए अपनी योजनाओं को पूरा करेंगे। हम आपके अस्थाई प्रेम पर भरोसा करते हैं, आपके अपार प्रेम पर भरोसा करते हैं, और आपसे प्रार्थना निवेदन करते हैं कि आप रुके हुए कार्यों और परियोजनाओं सहित अपने हाथों को कार्य को नहीं छोड़ेंगे प्रभु। आज जितने भाई बहन के रुके हुए कार्य हैं, बहुत दिनों से वो रुके हुए
हुए कार्य को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तरह तरह के परेशानियां विडंबना उनके आते हैं, उनके रुके कार्य को पूरा करेंगे आज प्रभु यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि आपने हमारे साथ वाचा बांधा है प्रभु कि रुके हुए कार्य और परियोजनाओं को सहित अपने कार्य को नहीं छोड़ेंगे। हालेलुया, धन्यवाद करते प्रभु यीशु मसीह। जैसा कि आपका वचन कहता है कि नेहमिया ने यरूशलेम की दीवारों का पूरा निर्माण किया, प्रभु यीशु मसीह हमें नेहमिया की कहानी से प्रेरणा लेते हैं, जिसने यरूशलेम की दीवारों को पुनर्निर्माण करने की चुनौती का सामना किया। पुनर्स्थापना के रास्ते बंद होने लग रहे थे और विरोध और प्रतिकूल परिस्थितियां के कारण काम रुका हुआ था, फिर भी नेहमिया प्रार्थना में दृढ़ रहा और मार्गदर्शन के लिए आप पर भरोसा किया। जैसे ही नेहमिया दृढ़ रहा, आपने उसके लिए आवश्यक संसाधन और सहायता प्रदान करने के लिए दरवाजे खोल दिए। विरोध के बावजूद दीवारों का पुनर्निर्माण हुआ और सफलता प्राप्त हुई। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह ने अपनी ताकत पर भरोसा किया और आपकी बुद्धि पर तलाश की प्रभु, वो सफलता प्राप्त हुआ क्योंकि आपने उसके असंभव सा लगने वाला कार्य पूरा किया। हमारे जीवन में ऐसे कितने कार्य प्रभु जो असंभव होने वाले हैं, असंभव सा लगता है, जो हमसे पूरा नहीं हो सकता है, किंतु आपसे प्रभु, आपकी ताकत से, आपकी बुद्धि से हम सब कुछ कर सकते हैं। हाँ प्रभु यीशु मसीह, हाँ प्रभु, जैसा नेहमिया के साथ आपने प्रभु किया, हमें हमारे जीवन में वो सफलता मिले, हमारे बंद दरवाजे खुले, जो रुके काम हो पूरे हो। हमारे प्रभु, आप हमारे ये सब पूरा करने वाले हैं प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं। हम विश्वास को, इस प्रार्थना को आप में मांगते हैं, इसलिए प्रभु अपनी योजनाओं और इच्छाओं को आपके हाथों में सौंपते हैं। बंद रास्ते को खोले, हमें सब सफलता प्रदान करें, हमारे सामने मौजूद कार्य को पूरा करने की ओर ले चले। आपका नाम हमारे जीवन के हर पहलू में प्रभु महान बना रहे। हालेलुया, धन्यवाद 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 करते हैं हर एक बातों के लिए। सारी महिमा आदर आप देते यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन और आमीन।